हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड निकी और मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूं एक और ब्रेकफास्ट की रेसिपी। जैसे मैं काफ़ी पहले भी शेयर कर चुकी हूं, तो ये जो मेरी ब्रेकफास्ट रेसिपी है सूजी से तैयार होती है, सूजी की इडली है जो कि बहुत जल्दी तैयार होती है और बहुत यम्मी लगती है। तो आप ज़रूर इसे तैयार कीजिएगा और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसे बनाने के लिए मैं रात में ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं पहले क्या करती हूँ, ये मेरी डेढ़ कटोरी लगभग सूजी है, इसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, हल्का सा, जस्ट थोड़ा सा इसमें कलर ना आने पाए इस तरीके से रोस्ट करके इसे मैं भिगो के रख देती हूँ। वैसे आप सुबह भी ये कर सकते हैं बट इसे आप एक घंटा आपको इसे भिगोने देना पड़ेगा, तो मैं इसे रात में ही कर देती हूँ। देखिए, इसे मैंने भिगो दिया है पानी में और अभी आप ज़्यादा पानी दे सकते हैं ताकि सुबह आप इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये फूल जाएगा तो आप अभी इसमें ज़्यादा सा पानी दे के इसे रात भर छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, मैंने इतना पानी दे दिया है कि ये पूरा भीग चुकी है। अब इसमें आप नमक मिला दीजिएगा, मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, आप सेंधा नमक मिलाते हैं तो बहुत हेल्दी रहता है, तो आप इसमें थोड़ा सा ही नमक मिलाइएगा क्योंकि चटनी में भी नमक जाएगा। तो बस मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और रात भर के लिए इसे रख दूँगी, बाकी आप सुबह भी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं जिस इडली के अकॉर्डिंग। और चटनी बनाने के लिए, चटनी के लिए भी मैं जो प्रिपरेशन है वो रात को ही कर रही हूँ। इसमें मैंने आधी कटोरी चने की दाल ली है, चने की दाल की जो चटनी है बहुत ही टेस्टी बनती है, यमी बनती है, आप ज़रूर इसे तैयार कीजिएगा। इसे मैं क्या है भूनूंगी, इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे कि बिल्कुल इसमें कलर आ जाए, कि दाल पूरी रोस्ट हो चुकी है, इस तरीके से हम इसे भूनेंगे। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये देखिए भुनने भी लगी है, 3 से 4 मिनट में ये पूरी भूनने लगेगी अच्छे से। ये मैंने भून लिया है, अब इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके 4 से 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रखूँगी ताकि ये हल्की सी फूल जाए, क्योंकि इससे भी इंस्टेंट इडली बनती है, चटनी बनती है। इसे मैं 10 मिनट छोड़ दूँगी और 10 मिनट बाद देखिए ये हमारी जो दाल है वो ऐसी हो चुकी है, हल्की सी फूल चुकी है। अब इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी मिक्सी जार में। इसमें मैं 1 चम्मच नारियल का पाउडर डाल रही हूँ, पाउडर, और 2 चम्मच के करीब मूंगफली के दाने डाल रही हूँ, 1 हरी मिर्ची डाल रही हूँ और आप इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। बस इतने ही इन्ग्रीडियंट इसमें जाएंगे और आप इसमें पानी मिलाकर इसे पीस दें, बिल्कुल चटनी वाली कंसिस्टेंसी में हमें इसे पीसना है। ये सारे जो इतने भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाएं और देखिए इस तरीके से आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। अब इसमें सिर्फ रह जाता है तड़का लगाना। ये देखिए, इस तरीके से हमने अपनी चटनी तैयार कर ली है। ये देखिए, इसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, बाउल में ये भी बहुत गाढ़ी है, आप इसमें अपने टेस्ट अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, जितना आप इसे लिक्विडी रखना चाहते हो उतना आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए और चटनी तैयार हो जाएगी। अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी, तड़का हमें बिल्कुल सिंपल लगाना है। मैं लगभग 1 से आधा चम्मच ऑयल ले रही हूँ, इसको गर्म होने देंगे और मैं थोड़ी सी 1 पिंच इसमें हींग डाल रही हूँ और 1 चम्मच में डाल रही हूँ, आधी चम्मच राई डाल रही हूँ, सरसों। बस इसे अच्छे से चटकने देंगे और कड़ी पत्ता हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि कड़ी पत्ते से बहुत अच्छी खुशबू आती है तो कड़ी पत्ती ज़रूर डालिएगा। कड़ी पत्ता डालने के बाद मैं इसे चटनी के ऊपर पोर कर दूंगी और मिला लेंगे, चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इडली मैं बना रही हूँ, इडली का घोल देखिए सुबह तक ऐसा हो चुका है, बिल्कुल चीला टाइप कंसिस्टेंसी, थोड़ा गाढ़ा होगा और मैं बना रही हूँ इसे ओवन में। आप अगर आपके पास स्टील का स्टैंड है जो स्टील में आप बना सकते हो तो आप उसमें भी बना सकते हो, उसमें आप ये 10 से 12 मिनट में बन जाती है, बट अगर आप माइक्रोवेव में बनाते हैं तो ये 3 मिनट में तैयार हो जाती है। तो अपने स्टैंड पे आप थोड़ा सा पानी डालकर और जिसमें इडली बनाएंगे उसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और 1-1 चमचा लगभग बैटर डाल देंगे इसमें। मैंने अभी ये सिंपल इडली बनाई है, आप इसमें गाजर सब्जियां वगैरह ऐड करके इसे और भी हेल्दी बना सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी हो जाएगी क्योंकि सूजी ऑलरेडी बहुत हेल्दी होती है। तो मैंने इसे ओवन में शिफ्ट कर दिया है और ये हो जाएगी तैयार सिर्फ 3 मिनट में। इसमें मैं सिर्फ 3 मिनट का टाइमर लगाऊंगी और 3 मिनट में ये
इडली आपकी पूरी रेडी हो जाएगी। तो ये मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है। और जब मैं इसे और भी सब्जियों के साथ बनाऊँगी तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और ये बहुत यम्मी लगती है। आप एक से दो इडली एक खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में अगर आप वेट लॉस पे हैं। तो ये है तैयार इडली की रेसिपी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मैं मिलूँगी अपनी ऐसे ही हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।